हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमर चैनल। तो दोस्तों, पिछली बार हमने करा था भाई कमाज के साथ जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन मिशन, तो वो करके भाई मैं कमाज को वापस लाया था। अब करना भाई ये बड़ा वाला मिशन, इसके लिए हमें चाहिए रेडियो एक्टिव फॉसिल्स। तो यहाँ पर जाना है भाई और माल उठा के लाना है 4 और 2 6 स्क्वेयर कंटेनर, सिक्योर कंटेनर होता है एक पॉइंट का। तो अपना भाई जो लॉन्ग डेरी हॉर्न है वो खड़ा है वहाँ पर उसके पास ही। तो चलते हैं आज इससे टुज में, या टुज 16 टुज क्या मॉडल है भाई, एक मिनट, इसका नाम है भाई टुज 166। तो ये रशियन गाड़ी है, इस पर चलाते हैं आज, देखते हैं कैसी चलेगी। करते हैं इसका स्टार्ट ये। तो एक मिनट भाई, गियर क्यों नहीं लग रहा इसका, वो ये गियर क्यों नहीं चल रही भाई। लो एक मिनट, वो ये गियर से क्यों नहीं चल रही भाई, एक सेकंड रुक तो जाओ। ये लो ऑटो पे चल रही है। अच्छा अच्छा भाई, इसके अंदर हाई गियर नहीं है। तो देखते हैं इसका हॉर्न, ये चल 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 तो सही। हाँ ये चली, तो ये चल रही है ऑटो पे ही। और देखते हैं अभी इसको अंदर से कैसी है ये ओ भाई, तो मतलब दो चार लोग बैठने की जगह है अंदर। चलाते हैं इसको और चलते हैं अपने डैडी लॉन्ग हॉर्न ट्रक के पास। तो वैसे तो मोड़ के चला जाता हूँ, लेकिन आ चलेंगे इससे ये। अच्छा अच्छा, तो इसके गियर थोड़े से अलग हैं। चले चल चल भाई, चल नहीं रही, ओए अटक गई भाई, चलेगी भी। ओ भाई कितनी छोटी सी है ये, अभी ऐसे आगे से हो, रुक जाओ भाई, आगे से नज़र ही नहीं आ रही। ओके, तो जो अपना डेरी लॉन्ग हॉर्न था वो खड़ा है नए वाले पेट्रोल पम्प पे, जो नया पेट्रोल पम्प मैंने खोला था ये। तो इसके अंदर ऑल व्हील भी है, देखता हूँ ऑल व्हील लगा के। ऑलवेज ऑन, वेरी गुड। और इसका डिफरेंशियल लॉक ऑलवेज ऑन, वेरी गुड। लो भाई, इसमें दोनों चीज़ ऑलवेज ऑन है, तो मतलब अच्छी गाड़ी है, लेकिन ऐसी है यार, छोटी सी है, प्यारी सी है। तो चल 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 ये, और देखता हूँ ये हाई इसमें के अंदर भाई, तो ये ऑटो पे चलेगी और यहाँ फिर चलेगी लो गियर पर। इसके अंदर हाई गियर है नहीं, बाकी न्यूट्रल बस तो होगी होगी ये। भाई सही जा रही है, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है ये। भाई शीशे वीशे सब काम कर रहे हैं, अंदर का शीशा भी काम कर रहा है। ओ इधर चल भाई, तो काफ़ी दिनों का इसको चला नहीं था, कई लोग कह रहे थे, भाई कह रहे थे यार इसको चला के दिखाओ। लो भाई आज चला रहे हैं इसको। ओ यार ये सॉरी 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 भाई, हॉर्न बजाना था, गलत बटन दब गया। तो किसी किसी गेम में भाई हॉर्न इससे है, किसी में इससे है, तो अलग अलग बटन है, अलग अलग कीज़ सेट करी हुई है, मतलब मैंने सेट नहीं करी, डिफ़ॉल्ट है ये। भाई जय भाग रही है, और ये छोटी सी क्यों हो जाती है इतनी, तो ये बहुत ही छोटी सी है, माचिस की डिबिया जैसी। और इसकी टॉप स्पीड देखी जाए तो कितनी है, अंदर से देखते हैं अंदर से कितनी भाई, अंदर स्पीड इसकी आ रही है 20 माइल, यानी कि 30-35 की मैक्सिमम स्पीड है इसकी, और ऑटो पे चल रही है ये। गड्डी जांदी छलांगा मार दी भाई, लाल रंग की, बहुत ही शानदार लग रही है, धांसू स्पीड है, और छोटी सी है, कहीं से भी निकल जाएगी, कोई ट्रक खड़ा हो उसकी टांगों के नीचे से, मतलब उसके टायरों के नीचे से निकल जाएगी। तो चलते हैं इसको लेके, और जा रही है खटक खटक करते हुए, देखो क्या आवाज़ आ रही है, बिल्कुल जेन्युइन एकदम। और आज मेरी मैंने आवाज़ सही कर दी है। दरअसल क्या हुआ था कि गेम की आवाज़ अलग होती है और इंजन की आवाज़ इसमें अलग दे रखी है, लेकिन बाकी गेम में क्या होता है कि भाई ओवरऑल एक साउंड होती है, मास्टर साउंड, तो इसमें मास्टर साउंड अलग है, इंजन साउंड अलग है, तो ये भसूड़ी है। और मैंने जब ये सेटिंग करी थी शिफ्टर की और लॉजिक स्टेयर की, इसकी लॉजिक स्टेयरिंग व्हील की, तो मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी थी, तो उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो गई थी। तो भाई पहुँच गए वहाँ पर, आ तो गई भाई, ले तो भाई देखो, तो इसलिए वो साउंड बढ़ गई थी इंजन की, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, मैंने टेस्टिंग भी करी थी लेकिन मुझे लगा ठीक है, और आज साउंड सही है, फर्स्ट क्लास। चल भाई चल चल चल, बाहर से देखते हैं इसको, अब देखते हैं इसकी हालत ख़राब होगी क्या क्या होगा, अब नहीं चल रही। अगर इस स्काउट गाड़ी को लेके वॉच टावर खोलने जाओगे तो आज जाना, यानी कि 2022 में और 2025 में वापस आओगे, तो भाई इसको मत लेना, ये तो बहुत ही बेकार है। ओ भाई चल 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 चल, लाइटें छटने हैं इसकी, ये लाइटें भी मेमोरी सी हैं, ऐसे लग रहा है 0 वाट के 2 बल्ब जल रहे हैं।
तो निकल जाएगी यहाँ से ये भाई कोई पता नहीं है, एक सेकेंड। ओ धस गई धस गई धस गई, ओ भाई तो अंदर ही घुस गई एक सेकेंड यार भाई जिंदगी यार। आज देखो अब पता नहीं क्या क्या होता है, अब ये वाला बटन नहीं काम कर रहा, देखो पता नहीं भाई प्रोफाइल कैसे उड़ जाती है, समझ नहीं आता। तो अटैच करते हैं विंच, नहीं यार अच्छा विंच भाई इसकी इसके अंदर विंच छोटी सी है, तो एक मिनट चल भाई बंद हो जा, इससे बंद कर देते हैं, चल भाई खींच चली चली चली, ओह ऑटो पे ही है, चलो ऑटो पे ही है, इसको चला देते हैं, चल 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 अब तो चल ले ओ भाई टुज 166 बकवास है यार। चल भाई इस बटन को क्या बीमारी हो गई भाई, ये नहीं समझ आता। लो भाई इसके अंदर तो विंच भी नहीं है, ओ भाई इसकी तो विंच इतनी छोटी सी है कि बस पूछो मत। नहीं भाई नहीं ये ना निकले, एक काम करता हूँ इसको इसी से निकालता हूँ, ठीक है इसको भाई इसी से खींचता हूँ और इसको पहले साइड में करता हूँ, हाँ साइड में, हाँ अब चलेगी ये, अब चलेगी क्योंकि अब रास्ते में साइड में पानी है, ओ यहाँ तो भाई और डूब जाएगी। लो भाई ये ऐप नहीं, और इसमें ऑल व्हील और सब भाई ऑटोमेटिक लगा हुआ, मैंने कुछ नहीं लगाया, लो गियर पे लगाता हूँ। अच्छा इसके अंदर लो गियर अपने आप लग जाते हैं, लो भाई चल चल चल। लो भाई हो गया टुज का काम ख़राब, मारो इसको गोली छोड़ो इसको, मतलब अब चलते भाई अपने डेयरी लॉन्ग होन के अंदर। तो ये पास में ही खड़ा है, चलो यहाँ तक तो पहुँची, तो ये खड़ा भाई डेयरी लॉन्ग होन, इसका तेल थोड़ा सा कम है, मैं इसके अंदर तेल थोड़ा सा भर लूँ क्योंकि भाई बहुत दूर जाना है, रिवर्स करते हैं एक बार। चल 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 काके ये, और 6 पॉइंट का माल देना है तो दे देंगे भाई जल्दी से, क्या दिक्कत है। लो भाई तेल करते हैं फुल, और इसके अंदर भाई देखो इस बार तो मैंने ये देख रहे हो आप नीचे टायर, तो ये स्पेयर व्हील लगाया, इसका स्पेयर व्हील देखो यहाँ पर आता है एक टायर यानी कि, और लेकिन वो दूसरे टायरों से अलग है, तो ये सही नहीं है, वैसा ही होना चाहिए था जैसा कि ओरिजिनल टायर हमने लगा रखे हैं। चलो यहाँ पे लगाते हैं भाई ट्रेलर, अपना सब कुछ है ही यहाँ पे, देखो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, और इसको लगाएंगे अब यहाँ पे ब्रेक, और भाई चलते हैं ट्रेलर के अंदर इसको दबा के, और मेरे पास एक 6 पॉइंट वाला ट्रेलर है वो ले लेता हूँ सीधे ही। तो ये हो गया भाई, काफ़ी लंबा हो गया भाई, ये तो लेके फंस जाऊँगा मैं, एक मिनट। ये देखो भाई गाड़ियों वाला ट्रेलर भी अपने पास, कारें भी छोड़ सकते हैं हम, और कहाँ गया यार 5 वाला ये, चल भाई ये एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, इसको करते हैं भाई इससे वो बंद करके चलते हैं, अब रास्ता देख लेते हैं एक बार यार उधर जाने का। तो भाई हमें यहाँ पर जाना है, तो यानी कि इधर से निकलेंगे इस गांव से न होते हुए भाई यहाँ पहुँचें, ठीक है यहाँ पर निशान लगा देते हैं। वैसे तो देखो यहाँ से भी रास्ता है यार, ये छोटा रास्ता है, हाँ इधर से निकलेंगे तो ये छोटा है, दोनों रास्ते हैं कहाँ से जहाँ से मर्जी आ जाओ। चल भाई ओके ओके चलो ओके चल 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 चल। लो भाई इसको डालते हैं हाई गियर पे, इसको हाई पे लेके जाऊंगा भाई आज फुल, तभी चलेगा फास्ट फास्ट, क्योंकि भाई 2 पॉइंट का माल देना है हमें फैक्ट्री पे, यानी कि 2 सिक्योर कंटेनर देने हैं वहाँ पर और 4 देने हैं वहाँ पर। चलो दे देंगे यार, क्या टेंशन है, अपने पास सब कुछ है भाई, जब तो कुछ ना हो तो कोई दिक्कत भी है। ओह भाई हाई पे तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, हाई पे ये दरअसल क्या है इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो कटिंग वटिंग करने में दिक्कत होती है। चलो उधर ही जाना भाई, चलो इधर से निकालता हूँ इसको यहाँ से, रास्ते बहुत सारे हैं कहीं से भी जा सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि जहाँ से मैं जा रहा हूँ या जहाँ से आपने सोचा वहीं से जाना, कहीं से भी चले जाओ यार, कोई टेंशन ना भाई, ट्रक अपना ट्रेलर अपना, ये रशिया का मैप भी अपना। तो हमें भाई रशियन मैप के अंदर टाइमार, इसका नाम है टाइमार, पता नहीं भाई इंग्लिश में हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, टाइमर है कि टाइमर है कि टाइमीर है, अब किधर जा रहा हूँ भाई मैं, पता नहीं किधर जाने लगा मैं, ये जंगल का दूसरा रास्ता है, चलो कहीं तो पहुँचेंगे। ओके ओके चल 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 चल, तो ये रास्ता अबे कहाँ गया भाई,
हाँ तो गया, अच्छा इधर से आया भाई, ओह सीधा ही है। पता नहीं कौन कौन से रास्ते हैं भाई, इतने सारे अंदर मोड़ तोड़ हैं। और 650 मीटर पे ही है। एक मिनट यार इसको लगाता हूँ ऑटो पे। ओ भाई देखो कहाँ जा रहा है, ऑटो पे स्लो चलता है, ऑटो पे मतलब अपनी मर्जी से चलता है जितनी उसकी स्पीड है। ये और भाई इसका हॉर्न, भाई इसका हॉर्न बहुत शानदार है। लो भाई पॉइंट आ गया अपना। ये सिक्योर कंटेनर मुझे लग रहा है कि वो हैं जिसके ऊपर भाई बायोलॉजिकल वेपन जैसे होते हैं ना न्यूक का, वो बना हुआ निशान। तो यहाँ से रास्ता है तो हम यहाँ से कटते हैं भाई लेफ्ट को, लेफ्ट को काटते हैं इधर को। एक सेकंड देख लेते हैं एक बार, ठीक है भाई बिल्कुल सीधे ही है। ओके चल हट जा भाई हट जा, और इसको हटा लेते हैं यार, चूहे की हड हुड आई मीन हुड को हटा लेते हैं भाई, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, व्यू अच्छा नहीं आता। ओके चल आराम से आराम से। ओ भाई इसकी आवाज़ कैसी है, हुर्र हुर्र करता है। ट्रेलर सही है पीछे, हाँ भाई आ तो रहा है। और इधर को काटते हैं। अब मैंने सोचा था ये ट्रक खड़ा ही हुआ है तो इसको ले चलते हैं ना। अब मैं कोई दूसरा ट्रक तैयार करूंगा अभी, अब अगली बार कोई मिशन और होगा नया तो भाई फिर मैं अगली बार दूसरा कोई और ट्रक लेके आऊंगा। अभी तो ये खड़ा था और इसी को ले आया मैं जल्दी से भाई, अभी बहुत सारे मिशन करने हैं इसके अंदर तो ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है भाई, फटाफट जो मिल जाए कर करके परे करो। लो भाई पहुँच तो गए इसके पास, सीधे ही जाना शायद, हाँ अभी तो सीधे ही जाना। तो ये जगह मैंने खोली थी जब मैं वाच टावर वगैरह ढूंढ रहा था तब। एक सेकंड भाई, तो इसका रास्ता पीछे से है यहाँ से, वैसे तो पानी यहाँ पर पानी सा है, यहाँ से भी है। एक मिनट बैक ही कर लेते हैं यार, अभी तो ज़्यादा दूर नहीं गए। ओ पीछे चल पीछे चल, यार कीबोर्ड से मुझे बैक करना बहुत बढ़िया सा आता है लेकिन स्टीयरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, अभी थोड़ी सीखनी पड़ेगी। और इधर काट, हाँ अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब जैसे जैसे खेलता रहूँगा प्रैक्टिस होती रहेगी यार, कोई टेंशन नहीं है। चल भाई इधर, और जंगल में कौन सा मुझे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ने आ रहा है जिसको मुझे चलान वो लाइसेंस दिखाना पड़े, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। चल भाई, अरे यार माउस को क्या हो गया, एक मिनट ऑटो पे चल चल चल, वो फंस गया, लो पे लगाओ। अच्छा अच्छा ऑल विल नहीं ऑन भाई इसका, अब करो। ओके ये देखो यहाँ पे बना हुआ है कि भाई न्यूक्लियर जगह है यहाँ पर, मतलब कि हैजार्ड हैजार्ड समझते हो ना, खतरनाक जगह है यहाँ पे, परमाणु वगैरह का एटम न्यूक वगैरह का काम होता है, तो यहाँ पे आना भाई मना है बच्चों का, बच्चे इस एरिए में ना खेलें तो बेहतर होगा। और यहाँ पर देखो रास्ता ही नहीं है, रास्ता तो है अंदर से है, चलो साइड से निकालते हैं, पता नहीं अंदर से रास्ता हो ना हो भाई, अंदर पानी है बहुत। ओ भाई यहाँ तो पहाड़ी है, अंदर ही जाना था भाई, अंदर ही जाना था, अंदर ही है माल, और मुझे क्या पता था। चलो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से चलते हैं अंदर से घुमा के इधर को लेके आएंगे। चल 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 इधर इधर इधर, ओ भाई ये तो बहुत बड़ा गांव सा आ गया ओ यार पूरा काटना पड़ेगा क्या। एक मिनट इसके अंदर क्या है यार, देखें जरा एक बार। चल 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 अंदर घुसा, इसके अंदर घुस जाएगा यहाँ से, हाँ चल 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 तोड़ दे, टूट जाएगा ये, टूट गई टूट गई टूट गई भाई, बिल्डिंग सी है, पुराना है इतना जंग लगा हुआ भाई, टूट गया सारा सामान, पुराने मकान बने हुए भाई बहुत तगड़े तगड़े। बस बस बस, बस चल 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 चल, ट्रेलर भाई अपना बहुत लंबा है। अच्छा तो इसके अंदर है पॉइंट, तो वो पॉइंट बना हुआ अंदर, उस पर जाके भाई खड़ा करना है इसको। कहाँ पर है, पूरा
पानी के अंदर। चलो कोई दिक्कत नहीं, बस काट दो भाई पहले पूरा स्टेयरिंग ताकि मुड़ जाए आराम से। पेड़ आ गया, तोड़ देगा पेड़ को, तोड़ 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 दे। नहीं भाई पेड़ बहुत मजबूत है, ऑटो पे लगा के तोड़ता हूँ। पेड़ भाई जाने नहीं दे रहा, अभी पेड़ जवान हो चुका भाई, बच्चा नहीं रहा वो, जवानों से पंगे नहीं लेने चाहिए। एक मिनट यार भाई, ये माउस है ना काम करना बंद कर देता है जब मैं क्लच दबाता हूँ, तो ये दिक्कत बहुत ही सारी है। और भाई यहाँ पे हो चुकी है रात, क्योंकि मैं निकला था दोपहर को, और यहाँ पे मिलेगा अपन को माल। देखते हैं सी मैनेजमेंट, कार्गो मैनेजमेंट, तो लोड करने भाई 6, और लोड किससे होंगे, इससे ये। तो ये देखो बायो हैजार्ड, खतरनाक चीज़ है भाई ये। तो 6 आ गए अपने पास, ओके इसको करते हैं बंद। अब निकलेंगे कहाँ से, वहाँ से निकल जाएंगे क्या, एक सेकंड। चल यहीं से निकलना पड़ेगा भाई। हाँ काट दे, पेड़ आ गया भाई बीच में। बस ठीक है, बस भाई डूबी हुई जगह है, शहर है ये छोटा सा, मतलब कॉलोनी, ये वो है इंडस्ट्री होगी कोई, यहाँ पे बनते होंगे ये सामान। भाई तगड़ा ट्रक लेके आना पड़ेगा यहाँ तो। ये देखो भाई चौकी बना रखी है, इसके गार्ड खड़ा होता को बंदूक लेके, तो मतलब काफ़ी सिक्योर जगह थी, लेकिन अब तो ये बर्बाद हो ही पड़ी। आ जाएगा वहाँ तो जाएगा। चल भाई ओके, तो भाई अंदर जाने का रास्ता यहीं से था, यहाँ से। चलो ओके, रुक गया क्या, एक सेकंड यार। भाई सुबह कर ले कोई नज़र, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, फ़ायदा क्या, क्या फ़ायदा होगा भाई, अंदर से रास्ते नज़र नहीं आएगा। वैसे तो मैं रात को भी खेल लूँगा, लेकिन फिर दिक्कत हो जाएगी, अंधेरे अंधेरे में क्या मज़ा आएगा भाई। चल भाई चल भाई, बहुत वजन है इनका, स्लो हो रहा ट्रक अपना। ओ स्लो नहीं हो रहा भाई, स्लो नहीं हो रहा था, उसका मामला ख़राब हो गया था। ओ अब जाना है भाई फैक्ट्री। अच्छा इसमें ये अच्छा है कि भाई पहले फैक्ट्री पे भी दे सकते हैं, रेलवे स्टेशन कहीं पर भी दे सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले हमें एक ही जगह पे जाना। और देखते हैं रास्ता, तो पहले आ रही भी फैक्ट्री का निशान, पहले चलते हैं फैक्ट्री पे। और भाई ओ भाई 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 सीधा कर इधर चल। हाँ भाई बहुत ही ख़तरनाक जगह है, तो फैक्ट्री भाई इधर। चलो पहले फैक्ट्री पे देते हैं 2 पॉइंट का माल, फिर देंगे अपने स्टेशन के पीछे, अपने गैराज के पीछे स्टेशन पे, और देखते हैं भाई ये निकल भी जाएगा। लेके आ तो रहा भाई, ले ले ले, डायरी लॉन्ग वन में जान है भाई, कुछ भी कह लो ट्रक बढ़िया है भाई। हाई पे लगाता हूँ इसको, तभी निकलेगा जल्दी। देखो ये भागा 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 भागा, तो फैक्ट्री का निशान भाई इस तरफ से आ रहा है, उसी तरफ चलते हैं आज, बिना रास्ता देखे ही पहुँचते हैं। चलो रास्ता देख के तो रोज ही चलते हैं। और भाई यहाँ पे देखो 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 इंजन इंस्टॉलिंग, रुक जाओ भाई रुक जाओ, वापिस कर। ओ भाई पलट गया, हाईवे के चक्कर में काम ख़राब हो जाएगा। ओ भाई बीच में खड्डा था बहुत बड़ा, इसको सही तरह निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये भाई बहुत ख़तरनाक रास्ता है, एक मिनट ज़रा मैं आगे से देखूँ। ले ओ भाई इस खड्डे में लेट गया था, अभी माल पलट जाना था भाई सारा, बच ही गया, बहुत बुरी तरह पलट गया था, शुक्र है कि बच गया। चल इस रास्ते से मैं कभी नहीं आया भाई। देखते हैं अब किधर है, आराम से अभी लो पे चलाते हैं भाई इसको, पहले इसको ज़रा निकाल लें।
तो वहाँ पे यार सड़क सीधी सीधी, ओ नहीं 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 इधर इधर कर इधर कर भाई, पानी के अंदर पता नहीं चलता कहाँ पर क्या हो जाता, फैक्ट्री का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा भाई, लगता रास्ता देखना ही पड़ेगा। चल भाई हाई पे, हाई पे चल 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 चल, ये इंजन बंद क्यों हो रहा है, डैमेज तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा चल भाई ऑटो पे निकल जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से भाई, याद हो रहा है क्लच दबाता हूँ थोड़ा सा, चल 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 चल। ओ भाई मेरे क्या ख़तरनाक जगह है यहाँ पे, रास्ता और भाई रास्ता उधर और भाई, सीधे जाके सीधे आप पे, यानी बस फैक्ट्री तो इधर है, एक मिनट रास्ता पीछे भी है भाई, फैक्ट्री का रास्ता देखना ही पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पे है रास्ता पीछे, दोनों दो तरफ रास्ते हैं, यानी कि सड़क जा रही है पानी के किनारे किनारे। ओके चल भाई बैग करते हैं इसको यहाँ से, एक मिनट बैग गेयर लग गया, ओके चल 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 चल, काट दे काट दे काट दे और काट दे, बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, ले 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 काट दे, फुल 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 कट गया भाई लो। तो मैं सोचा था बिना मैप देखे जाऊंगा, वैसे दिक्कत हो गई थी कभी कभी मैप भाई देखना पड़ जाता, अगर मैं इसको लेके जाता जंगल के अंदर से तो पता नहीं इसमें गड्ढे वड्ढे बहुत है भाई, और अपना माल डिलीवर होने से पहले ही सड़क पे आ जाता। चल भाई अब लगाते हैं टॉप गियर, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये भाई क्या खतरनाक रास्ता बना रखा है, ओ भाई छप्पड़ पानी, चल चल चल। ओ यार इसको ऑटो पे डालता हूँ यार, ऑटो पे सही चलेगा, हाई पे इसलिए लगाता हूँ थोड़ी स्पीड बढ़े, फटाफट मड के अंदर से निकल जाए, इसलिए हाई गियर चलाने पड़ते हैं कभी कभी। लो भाई फैक्ट्री के ऊपर तो आए, फैक्ट्री के पास मतलब पहुँच गए, और ये है भाई फैक्ट्री का रास्ता। चल ओके चलते हैं भाई अंदर, और एक मिनट कहाँ ठोक दी यार, मैं भाई शेड में देख रहा हूँ और इस तरफ से ठुक गया इसके यार, ये जो शीशे हैं ना साइड मिरर भाई बहुत ही ज़्यादा बाहर है, यही तो है डेरी लॉन्गहॉर्न का कमाल, इसी को बोलते हैं लंबे सींग। लो भाई आगे फैक्ट्री पे बड़ी मुश्किल से पहुँचे, और यहाँ देखते हैं, ओ भाई ये किसकी फ़ोटो बनी हुई है, ओ भीमराव, बाबा भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो बनी हुई है भाई, देखो ये ऐसी लग रहे हैं ना दूर से देखो। चलो भाई देते हैं यहाँ पे माल, और दो पॉइंट का एक दो, ठीक है अब चलना भाई अपने स्टेशन पे, अब तो पता ही है रास्ता, अब इधर से निकल जाते हैं सामने से वापस करके, एक मिनट देखते हैं पास पास का रास्ता कौन सा है, तो यहाँ से भी है और यहाँ से जाके भाई मेन रोड आएगा, तो इधर चलते हैं मेन रोड से, ये छोटा है ये भाई बहुत लंबा रास्ता है, तो यहाँ से करते हैं इसको बैक, बैक हो जाएगा क्या, हाँ हो तो जाना चाहिए, ओके चल भाई काट दे काट दे काट दे, फुल 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 फुल, हाँ फुल और बस 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 बस, बस भाई हो मुड़ ही जाएगा लगता, मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया, चल इधर ही ले आओ इसको, ओके लो भाई आखिर कट ही गया, और इसको मोड़ते हैं अब इधर से, बस 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 आराम से आराम से, ये आज ये फंक्शन देखो काम नहीं कर रहे, वैसे ये फंक्शन काम करने चाहिए थे लेकिन आज पता नहीं ये काम नहीं कर रहे, पता नहीं भाई मुझे कुछ कुछ बटन कभी कभी प्रोफाइल के काम नहीं करते, ये चीज़ नहीं समझ आ रही क्या हो जाता कभी कभी। ओके चल भाई चल 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 चल,
आराम से आराम से। ओके ये आगे भी कद्दू, ये यानी कि अपना विलेज आ चुका। चलते हैं विलेज के पास से निकलते हैं। तो यहाँ से हमने यात्रा शुरू करी थी सर्विस सेंटर से, तो वहीं पे आ गए। चल भाई चल चल चल, उधर से चलते हैं, मेन रोड के ऊपर पहुँचेंगे, वहाँ से फटाफट पहुँच जाएंगे। अंदर से जाएंगे 100 मील वाले रास्ते से, तो वो बहुत लंबा है। चल भाई यहाँ से काटता हूँ और अब ओके। अब भाई इधर हमें पहुँचना है मेन रोड पे, तो मेन रोड पे जाने का रास्ता भाई ये है लेफ्ट से। यहाँ पे भी एक सड़क है लेकिन ये नक्शे में नहीं ये वैसी बना रखी है, छुपाई हुई है, घास की कच्ची पगडंडी। भाई यहाँ पे माल, अगर ट्रक हल्का हो तो पलटने का भाई पूरा चांस है। ध्यान से आराम से आराम से, इधर 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 उधर को उधर को, पेड़ पेड़ बचा के, पेड़ आ ही गया यार रास्ते में, तोड़ दे और निकल गया भाई। इसका यार ये फिल्टर और ये शीशा से फंस जाता है, बाकी ट्रक तो निकल जाता है। ओके ठीक है चल। भाई यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं दुनिया भर के, चढ़ा दे। ये शॉर्टकट से लेके जा रहा हूँ भाई, इसलिए पंगा हो रहा, लॉन्ग कट से ले जाता। भाई ये पहाड़ के ऊपर से जब पानी बहता है ना, तो मिट्टी बह के आती है, तो ऐसे धाराएं बन जाती हैं। धारा बनती है तो ये ऐसी खड्डे अपने आप ही बन जाते हैं कुदरती, इनको कोई बनाता नहीं है, तो ये ऐसे बनते रहते हैं। जंगलों में जाओगे तो ऐसे देखने को मिलेंगे। चल भाई चल चल चल, आगे भाई वापस। ओ यार वो टुक टुक को भी तो लेके जाना है, उसको उसको पीछे लगा लेता हूँ पीछे, उसको वापस ले चलता हूँ यार, वो फंसी हुई है। मुझे ध्यान आ गया उसका भी यार, उसको भी तो लेके जाना था यार, उसको ऐसे यहाँ पर छोड़ेंगे तो रशियन नाराज ना हो जाए इतनी खास नहीं है वो, मतलब मेन रोड पर चलाने के लिए ठीक है, लेकिन मड में चलाओगे भाई कल्याण वस्त हो जाएगा, यानी कि मामला ख़राब हो जाएगा। चल भाई चल, आ जा आ जा आ जा। अबे कौन से गियर पे चल रहा है तुम? ओहो यार लो पे चल रहा था ये। ओके ओके, तभी मैं कहूँ स्पीड क्यों नहीं आ रही। पेट्रोल कितना भाई? पेट्रोल बहुत है यार। तो पिछली बार मैंने बनाया था भाई ये पेट्रोल पंप और ये यहाँ पर गैराज से, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख सकते हो। और इसको भाई बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, काफ़ी लंबे लंबे मिशन करने पड़े। कहाँ खड़ी है भाई गाड़ी? हो रही, उसको लेता हूँ भाई। उसको पुट्ठी है, उल्टी खड़ी है, उसको उल्टी ऐसे खींच के ले चलता हूँ। चल भाई निकाल दे इसको। भाई टायर चाहिए गाड़ी के बड़े से, और इंजन चाहिए भाई सॉलिड। इसको उठा के यार इसके ऊपर नहीं रख सकते? अगर क्रेन होती तो मैं रख लेता शायद। एक सेकेंड यार, ये बटन अब काम क्यों नहीं कर रहा, समझ नहीं आई। हाँ अब लगाते हैं इसको विंच। रुक तो जा, आ जा भी आ जा। चल ओके चल भाई, खींच 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 उसको, एक उसको पास में बुला लो, उसको बुलाते हैं भाई पास में। अबे इधर तो आओ, विंच पुल। लो भाई, लो भाई टुच गाड़ी आ गई पीछे, उसको ले चलते हैं, पटक पटक के मारेंगे रास्ते में। ओ भाई अब मैं लाया तो था आपको दिखाने के लिए, मैं चलो दिखाऊंगा उसका इंजन, उसका इंजन ऑन करके क्या करेंगे, उसका इंजन हो ना होएगी बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चलो भाई अब लगाते हैं इसके हाई गियर और देखते हैं पीछे उसका क्या हाल हो रहा है। ठीक ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही है। अबे हाई गियर है ये, अब इतनी स्लो भी चल रहा है। अब आया हाई गियर पे खेलने का कुछ मज़ा, नहीं तो पहले तो मज़े ज़्यादा दिक्कत थी। चल भाई चल चल चल, तो एक ही बार में कर दिया। वैसे तो इसके अंदर ट्रेलर जो डिफ़ॉल्ट हैं वो 5 पॉइंट के हैं, तो मतलब 2 ट्रेलर लेके आने पड़ेंगे,
तो मेरे पास तो ये मोड लगा रखा है मैंने 6 पॉइंट वाला, और मुझे मालूम नहीं था इसके अंदर 6 पॉइंट का भी आता है। वैसे ट्रेलर 6 पॉइंट के भी आते हैं, 8 पॉइंट के भी आते हैं। अब यहाँ तो आप 8 पॉइंट वाला लगाओ और यहाँ भाई इसको लगाओ। चल भाई निकल गया। ओ भाई टुज की डैमेज हो रही है, होने दो यार, रिपेयर कर लेंगे भाई, उसको बेच दूंगा यार, बेकार गाड़ी, कोई फ़ायदा नहीं भाई, उसके साथ कोई मज़ा नहीं है। इसमें एक दिक्कत है, मतलब आवाज़ की ये प्रॉब्लम है, जब हम थर्ड पर्सन से यहाँ से ऐसे अंदर जाते हैं तो एकदम इंजन की आवाज़ बहुत तेज़ बढ़ जाती है, वो कम होनी चाहिए थी। तो हाई गियर पे इतनी स्पीड आ रही है, आप देखो अब आ रहा है हाई गियर का मज़ा, क्योंकि वो मड्डी के ऊपर हाई गियर आते हैं, टर्न मोड़ जल्दी जल्दी आते हैं ना भाई, तो दिक्कत होती है। पिछली बार मैंने जो लिया था स्टीयरिंग व्हील, उसका जो डिग्री थी 900 डिग्री होती है इसमें 900, तो वो मैंने करी थी 450, लेकिन इस बार भाई ने पूरी रखी है 900। तो मैं देखना चाहता था कि 900 पे कितना मज़ा आता है और 450 पे कितना। तो 450 करने से क्या होता है कि स्टीयरिंग जल्दी कट जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो ट्रक अपना गाड़ी में झाड़ी में घुस जाता है, लेकिन 900 से पूरा मज़ा आता है, पूरी कटिंग होती है, असली फील आती है। तो 900 पे ही खेलना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी भाई। ओके भाई, इसको अब लगाते हैं ऑटो पे, क्योंकि यार अब मौसम ख़राब हो गया, आई मीन ख़राब आने वाला है। इधर 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 चल ठीक है, ले उस गाड़ी को अभी पहुंचा देंगे। कहाँ गैरेज आया नहीं अभी, आ गया अभी गैराज आ गया अपना। इस गाड़ी को मैं यहीं पे एक बार रोक देता हूँ, तो एक मिनट उसको कर देते रिलीज विंच, ठीक है भाई उसको बाद में ले चलेंगे। अब जाना भाई वहाँ पे, और इसकी लाइट जगा लो यार, रात हो गई। लाइट नहीं जलती, एक मिनट, हाँ जली तो। स्नो रन के अंदर ही दिक्कत है स्टीयरिंग व्हील और माउस के बटन के साथ, बाकी किसी गेम में नहीं है। और स्नो रन के अंदर जो गेयर हैं वो 1, 2, 3 पर नहीं है, एक भाई पूछ रहा था, तो इसमें ऐसे लगते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि यही हैं लो, ऑटो, हाई और रिवर्स न्यूट्रल, बाकी इसमें 1, 2, 3 वगैरह नहीं आते भाई, और आप लगा भी नहीं सकते। चलो ओके, लो भाई पहुँच गए, ठीक है भाई इसको करते हैं न्यूट्रल। ये हो गए भाई न्यूट्रल अपनी गाड़ी, करते हैं ब्रेक को ऑन, और यहाँ पे देने भाई 4.1, 2, 3, 4। ओ कितने पैसे मिले, चलो वो बटन यार दबाता जा रहा था मैं, इसलिए हो गया। चलो जितने भी मिले, ओ भाई नहीं लोड नहीं करना। तो ये था भी आज का मिशन फॉसिल, हमने सिक्योर कंटेनर दे दिए 8, और कितना टाइम लगा इसको करने में हमें देखते हैं, तो भाई 33 मिनट लगे टोटल, लेकिन थोड़ा सा उस गाड़ी को भी चलाया था तो 5-7 मिनट उसके भी लगे होंगे। तो कई भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे उसको चला के दिखाओ, ठीक है। तो ये था आज का गेम प्ले, और एक मिनट ज़रा अब देखते हैं अगले मिशन के बारे में। तो एक और खुला है अभी टाइगर ऑयल का, तो रडार टावर, अच्छा देखो यहाँ पे रडार टावर भी है, हमें पता नहीं था ये रहा, तो ये अब नज़र आया। यहाँ पे हमें देनी है एक मेटल बीम, एक देना भाई सर्विस स्पेयर पार्ट, 2 यहाँ से उठाने हैं, कार्गो कंटेनर उठाना है यहाँ से, तो इसको मैं कर लेता हूँ एक्टिवेट, अगली बार करेंगे इसको, ठीक है। अब चलते हैं वापस। तो लुकिंग बियॉन्ड द होराइजन, तो रडार टावर पे यानी कि मेटल बीम 2 पॉइंट की सर्विस, 2 और 5 पॉइंट का माल देना है, तो 5 पॉइंट का माल है। अगली बार देखते हैं, मेरे पास ट्रक है मैन का और टाटा का भी है, और भी कई मोड भी हैं, तो देखेंगे अगली बार कोई और लगाते हैं, ठीक है। तो अगली बार सोच रहा हूँ कि मैन का ट्रक लगाऊँ, मैन का ट्रक मैंने इसमें अभी तक चलाया नहीं है, तो उसको चला के देखना पड़ेगा, मतलब देखना चाहिए कि उसकी भाई परफॉर्मेंस कैसी है। चलो ठीक है दोस्तों, ये था आज का गेम प्ले स्नो रनर का, भाई बताना कैसा लगा आज, मज़ा आया तो चला के कि नहीं आया, आपको कितना मज़ा आया बताना ये भी कमेंट करके। ओके फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए भाई अपना ख्याल रखो, खाओ पियो स्वस्थ रहो, और भाई इस हॉर्न को सुन के मस्त मत रहो, बेकार, ये तो बेकार हॉर्न। चलो दोस्तों बाय बाय, चल भाई बंद कर देते हैं अब।